साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वापस कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें दिल की तकलीफ के बाद कार्डियोलॉजी लाया गया था। डॉक्टर्स ने एको कार्डियो टेस्ट किया। टेस्ट क्लियर आने के बाद सख्त सिक्योरिटी हिसाब में परवेज इलाही को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तबाह कुन बारिश, 25 अफराद जहां वहां के 145 जख्मी हो गए। अम्बाहत, बंदू, रकी बरवत और कर्क में छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से हुई आंधी और तूफान से बिजली का निजाम शदीद मुतासर। अहमदाबाद और सवात में बरसाती नालों में तुफियानी। इंतजामिया और पाक फौज के दस्ते मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाईओं में मसरूफ। पंजाब के शहर नूरपुर थल में बारिश के बायस दीवार गिरने से 3 महीने जान से गई। हाफिजाबाद में 1 शख्स जहां बहा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मियांवाली और बरी समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश। कई इलाकों में झालाबारी, झंग में मिट्टी का तूफान। मौसम की खराबी के बायस अंदरूनी बैरून मुल्क मुतअद्दिद परवाजें मुतासिर। लाहौर और इस्लामाबाद से कराची और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज का रुख फैसलाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जानी नुकसान, वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। इंतजामिया को इमदाद और बहाली के इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। नुकसान की रिपोर्ट तरह शहबाज शरीफ के समुद्री तूफान के पेश नज़र पेशगी तैयारियों की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मानसून खौफनाक होता जा रहा है। सारा बोझ पाकिस्तान पर डालना नाइंसाफी है। आलमी बरदरी साफ। समुद्री तूफान बाय पर जुआई का कराची से फासला 840 किलोमीटर रह गया। रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा। आइंदा 36 घंटे अहम होंगे। NDMA के मुताबिक साहरी इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। KPT के जहाजों और पोर्ट तनसीबात की हिफाजत के लिए बंदरगाह में हंगामी अलर्ट जारी। बंदरगाहों पर ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। बाय पर जुआई आज भारत से टकराएगा। 7 रियासतों में अलर्ट जारी। PTI ने मीशत को तबाह बर्बाद कर दिया। नाहल शख्स की पॉलिसियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ की लाहौर चैम्बर के वक्त से गुफ्तगू। बुलंदी की पहली तरजीह मुआशी बहरान हल करना है। मौका मिला तो तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां 2017 में छोड़ा था। बैन अल-अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा साबिक हुक्मरानों ने तबाही की। मुल्क को IMF के हवाले किया, मीशत से खिलवाड़ किया। मौलाना फजलुर रहमान का JUI की मजलिस से शूरा से खिताब। बोले कौम PDF के प्लेटफॉर्म पर मुतहद हो चुकी। भारी मुश्किलात के बावजूद बजट में आवाम को रिलीफ दिया।